वेलकम माय फ्रेंड क्लासेस थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर है द येलो बटरफ्लाई, चैप्टर नंबर 10 है ये। तो येलो बटरफ्लाई इट मींस कि यानी कोई एक कोई पीली तितली है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड द सोनूज गार्डन। कह रहे हैं कि येलो बटरफ्लाई जो है वो सोनू के गार्डन के चारों तरफ उड़ रही है। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रेन टू कैच इट। सोनू ने बटरफ्लाई को देखा और वो उसको पकड़ने के लिए भागा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सैट ऑन अ रेड रोज। कह रहे हैं कि बटरफ्लाई जो है वो उड़ गई किसकी तरफ, रोज बेड की तरफ। रोज बेड यानी बहुत सारे जहाँ पर गुलाब के फूल हैं, है ना। इट सैट ऑन द रेड रोज, और वो एक रेड रोज पर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सैड सोनू। तो सोनू ने कहा कि अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, है ना। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन। तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही आहिस्ता 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 जो है खामोशी से उस बटरफ्लाई की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे उसके करीब करीब जा रहा था, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई वहां से उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, अब बटरफ्लाई कहाँ चली गई। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, इन द पॉन्ड वॉज अ व्हाइट लोटस। कह रहे हैं कि गार्डन के पास जो है एक छोटा सा पॉन्ड था, तालाब था, और उस पॉन्ड के अंदर एक व्हाइट लोटस था। क्या था बेटा, व्हाइट लोटस, है ना, सफेद कमल का फूल था। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन द वॉटर। और उस लोटस के चारों तरफ क्या थी, एक बड़ी सी पत्ती थी जो कि पानी में तैर रही थी, उसको भी तैरा रही थी साथ में, ठीक है। और वो दोनों यानी पत्ता, वो जो पत्ती थी बड़ी सी मतलब, और जो लोटस था, वो दोनों ही साथ में तैर रहे थे पानी के अंदर। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। तो कह रहे हैं बटरफ्लाई जो है उसने क्या करा, वो जो फ्लोटिंग लीफ थी यानी बहती हुई पत्ती थी, वो उस पर बैठ गई जा करके, और खुद भी उनके साथ बहने लगी, ठीक है। तो सोनू ने जल्दी से पानी के अंदर छलांग लगाई, तो छलांग लगाते तो छपाक की आवाज आती है ना, उसे बोलते हैं स्प्लैश, यानी छपछपाने की जो आवाज होती है। तो उसने पानी में छलांग लगाई और फिर क्या हुआ, फिर भी बटरफ्लाई वहां से भी उड़ गई, ठीक है। वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप एंड लुक्ड डाउन। अब उसने पूछा कि आप कहाँ गई बटरफ्लाई, उसने ऊपर देखा नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, इट हैड पिंक फ्लावर्स, द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रिटी फ्लावर। तो कह रहे हैं कि उस जो उसके गार्डन की दीवार थी वहां पर एक पीच ट्री था, ठीक है। पीच ट्री के पास उसने देखा तो उसके ऊपर बहुत सारे पिंक पिंक फ्लावर्स थे, उस पेड़ के ऊपर बटरफ्लाई जो है वो उन खूबसूरत फूलों पर जाकर के बैठ गई। I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree, up he climbed, but तो कह रहे हैं कि आप उसने सोनू ने चिल्लाकर उससे कहा, चिल्लाकर यानी जैसे तेज बोल कहा, क्योंकि ऊंचाई पर है वो, कि अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। तो वो ऊपर चढ़ा और ऊपर और ऊपर, ठीक है, और ऊपर चढ़ता गया, लेकिन back it flew down from the tree, और वापस से वो जो बटरफ्लाई थी वो पेड़ से उतरकर नीचे की तरफ आ गई। सोनू jumped down to, he chased the butterfly. अब सोनू जो है वो नीचे कूद गया वापस से, और वो उसका पीछा करने लगा, ठीक है, यानी उसके पीछे लग गया उसको पकड़ने के लिए। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। कह रहे हैं कि रोज से लेकर के लोटस तक, उसके बाद पेड़ के ऊपर से लेकर के पेड़ के नीचे तक, ठीक है, वो उसको पकड़ नहीं पाया अब तक। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। तो सोनू जो है उसको कहीं पर देख नहीं पाया, काफी देर तक ढूंढता रहा, सब तरफ उसने देख लिया, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिली। फिर आखिरकार उसने देखा बटरफ्लाई को, देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। तो उसने देखा कि वो जो है जो पीच ट्री पर चढ़ी थी ना वो दोबारा से, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, तो बटरफ्लाई जो है वो उसके अंदर फंस गई थी, ठीक है। इट लुक्ड सैड, इट ट्राइड टू एस्केप, और वो बहुत उदास दिख रही थी और वहां से बचकर निकलना चाहती थी। It fluttered its wings, it twisted and turned, but it could not escape. The spider's web held it tight. तो कह रहे हैं कि वो बार बार अपने पंख फड़फड़ा रही थी ताकि वो वहां से निकल जाए, वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पंख मुड़ रहे थे, टूट रहे थे, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पा रही थी, ठीक है। और स्पाइडर वेब ने उसको कसके से पकड़ लिया था, वो उसको छोड़ नहीं रहा था। Poor butterfly, in the middle of the web was a big spider, it looked hungry. It wanted to catch the butterfly, closer and closer crawled the black spider. तो कह रहे हैं कि अब जो सोचता है कि बेचारे बटरफ्लाई है ना, और बेचारे जो बटरफ्लाई है वो फंसी हुई है, और वहाँ बिल्कुल जाल के बीचों बीच जो है एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर है, बहुत बड़ी मकड़ी है जो कि भूखी लग रही है ना। तो अब वो क्या देखता है कि बीचों बीच जाल के बीचों बीच एक बड़ी सी मकड़ी बैठी हुई है ना, ब्लैक कलर की मकड़ी है, और वो बहुत भूखी लग रही है, और वो जो है ना वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती है, उसके करीब करीब आ रही है धीरे धीरे, ऐसा ऐसा जो है ना रेंगती हुई, उस ब्लैक स्पाइडर जो है वो बटरफ्लाई के करीब आ रही है। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रेन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। कह रहे हैं कि इससे पहले कि भूखी स्पाइडर जो है वो उसके पास आती और उसे दबोच लेती, पकड़ लेती, सोनू जो है जल्दी से दौड़ा और उसने जो है बटरफ्लाई को पकड़ लिया।
इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। तो उसको उसने पकड़ लिया हाथ में लेकर के देखा तो बहुत ही खूबसूरत थी वो, है ना, उसके पंखों के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़े हुए थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। सोनू जो है वो उसको बटरफ्लाई को बहुत, वो उसको बहुत प्यारी लगी और वो जो है, लेकिन उसने देखा कि जो बटरफ्लाई है ना वो उसके हाथ में बहुत दुखी है, बहुत सैड है। सोनू चाहता था कि वो खुश हो जाए, है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा उसे खुश करने के लिए? गो सैड सोनू फ्लाई अवे। तो सोनू ने कहा अच्छा जाओ, है ना, जाओ उड़ जाओ, ऐसे करके उसको उड़ा दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सैट ऑन द रेड रोज, इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, इट फ्लू मेरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो कह रहे हैं कि उसने जो है बटरफ्लाई को जाने दिया तो बटरफ्लाई खुशी खुशी उड़ गई वहां पर से, वहां से उड़ करके वो रेड रोज पर बैठी जा करके, है ना, फिर उसके बाद उड़ करके वो पीच ट्री पर गई, उसके बाद जो है वो एक लोटस लीफ पर जाकर के बैठी और वो पूरे के गार्डन में हर फूल पर खुशी खुशी बैठती चली गई, है ना, यानी खुशी खुशी जो है वो सारे में उड़ती रही। मैरिली का मतलब था खुशी खुशी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, और सोनू से देखता रहा कि वो उड़ती जा रही है और उड़ती जा रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनू'स गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और बटरफ्लाई जो है वो सोनू के गार्डन के चारों तरफ उड़ती रही, खुश खुश रही वो, ठीक है, और दोबारा से उसने अपने आप को बहुत फ्री महसूस किया क्योंकि वो पकड़ में आ चुकी थी, है ना, एक स्पाइडर वेब में फंस गई थी। बेटा ये जो है ये आपकी जो आपका लेसन है ये येलो बटरफ्लाई ये एंड हुआ, छोटा सा चैप्टर था आपका ये, इसकी जो राइटर है वो है नीलिमा सिन्हा, ठीक है। तो इसके अंदर ये था कि जितने भी बर्ड्स हैं जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो कि उड़ते हैं उनको हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, उनको ग्रैब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उदास जाते हैं उससे। अब आपको सोचिए कि आप हैं अगर आपको कोई जो है कहीं कैद कर ले कहीं बंद कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे उनको भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपको कहीं तितलियां उड़ती हुई देखें तो बस उन्हें देखकर खुश हो जाएं, बजाय इसके कि उनको आप पकड़े हैं उनके पंख तोड़ दें पकड़ने के चक्कर में, फिर वो बेचारी उड़ भी ना पाए, है ना, तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए क्योंकि वो भी अल्लाह ताला के मखलूक हैं, वो भी जानदार हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर आप हमें क्या वर्क करना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले है आप क्या करेंगे, इसको वर्ड्स मीनिंग को करेंगे अपनी नोटबुक में। नोटबुक में आप सबसे पहले लेसन नंबर डालिएगा, लेसन का नेम डेट वगैरह डालनी है आपको, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बेटा साइलेंटली, ठीक है, साइलेंटली का मतलब क्या होता है, चुपके से या खामोशी से। नेक्स्ट है आपका फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सेल, सेल का मतलब क्या होता है, जल यात्रा यानी पानी में सफर करना, है ना। उसके बाद आता है स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब क्या होता है, छिड़काव करना, ठीक है, जैसे कोई पानी में गिरता है तो एकदम पानी उछल के बाहर आता है ना, उसे ही बोलते हैं स्प्लैश। फिर आता है क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना यानी ऊंचाई पर चढ़ना। चेज, चेज का मतलब क्या होता है, पीछे लगना। शाउट, शाउट का मतलब क्या होता है बेटा, चिल्लाना। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, यानी जब आप देखेंगे किसी को पंछी को आप पकड़ेंगे तो वो कैसा करेगा, जल्दी जल्दी पकड़ जाता है ना अपने, तो उसे ही बोलते हैं फड़फड़ाना। ग्रैब का मतलब क्या होता है, झपटना। क्रॉल का मतलब होता है बेटा रेंगना, और हंगरी का मतलब होता है भूखा, ठीक है। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है, आई थिंक 12 है ये, इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके, क्वेश्चन आंसर देखिए बेटा इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, कह रहे हैं कि सोनू ने येलो बटरफ्लाई को सबसे पहले कहां पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट है नेम थ्री प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, कह रहे हैं उन तीन जगहों के नाम बताइए जहां पर बटरफ्लाई ने रेस्ट किया। थर्ड है आपका व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू जो है वो बटरफ्लाई को चेज क्यों करता है, ठीक है, यानी उसके पीछे क्यों लगा हुआ है वो। व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, और सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया, ठीक है। इसके आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सबसे पहले उसने कहां पर देखा उसको, है ना, तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा इस तरीके से, सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई इन हिज गार्डन, उसने उसको अपने गार्डन में देखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था कि उसने तीन जगह पर कहां कहां पर बैठकर रेस्ट किया था, द बटरफ्लाई रेस्टेड एट द रोज बेड, वो रोज बेड पर बैठी थी, एट द फ्लोटिंग लीफ बहती हुई पत्ती पर बैठी थी वो, एंड एट द पीच ट्री, और पीच ट्री पर बैठी थी, ठीक है। उसके बाद है कि सोनू उसका पीछा क्यों कर रहा था, ठीक है, सोनू चेज द बटरफ्लाई टू प्ले विद इट, वो उसका पीछा कर रहा था ताकि उसके साथ खेल सके। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट है कि उसने फिर उसको जाने क्यों दिया, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज ही वांटेड इट टू बी हैप्पी, उसने सोनू ने उसको जाने इसलिए दिया क्योंकि वो उसको खुश देखना चाहता था, यानी बटरफ्लाई को वो खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने उसको आजाद कर दिया हालांकि उसे पकड़ चुका था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, मेरा डॉक्टर एम वाले जो क्वेश्चन है इनको आप कट कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ लेट्स राइट, लेट्स राइट में आपको क्या करना है, यहाँ पर चार सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, है ना, इन चार सेंटेंसेस में फर्स्ट देन आफ्टर दिस फाइनली ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इससे आपको पता लगाना है कि पहले क्या हुआ होगा फिर क्या हुआ होगा फिर क्या हुआ होगा, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, देन आई ब्रश माय टीथ एंड हैव अ बाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, आफ्टर दिस आई ईट माय ब्रेकफास्ट। तो इसको आप अरेंज करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड,
सबसे पहले मैं बेड से उठा, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, उसके बाद मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और नहाया। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, और आखिर में मैं ड्रेस अप हुआ यानी तैयार हुआ और स्कूल चला गया। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया, ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। इनको इस तरह अरेंज करके लिखेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फूड, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। इसको पूरा ऐसे लिखेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे लिखना है, ये देखिए बेटा, है ना, ये चारों पॉइंट्स आपको इस तरह अरेंज करके लिखना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वाला आ गया पॉइंट, है ना, उसके बाद देन वाला, उसके बाद आफ्टर दिस वाला, उसके बाद फाइनली वाला। ठीक है, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टीम टाइम में आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आपको घर पे बनाना है और घर पे बना करके इसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, होमवर्क हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ बटरफ्लाई, है ना, तो बटरफ्लाई को ब्रेक किया तो क्या बन गया, बटरफ्लाई। ऐसे यहाँ लिखा हुआ एवरीवेयर, तो एवरीवेयर को ब्रेक करेंगे एवरीवेयर, है ना। इनसाइड को इनसाइड, आउटसाइड को आउटसाइड, सनलाइट को सनलाइट। ठीक है, ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग रहनी चाहिए, है ना। आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, मीनिंग रहेगी नहीं फिर। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो वर्ड्स प्रॉपर हैं इसके अंदर, कंप्लीट वर्ड्स हैं दोनों। एवरीवेयर हो गया ना पूरा, ऐसे आउटसाइड सनलाइट पूरे वर्ड्स हैं, उसको इस तरह ही आपको चेंज करना है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कोई इतना काम भी नहीं है करने के लिए इसके अंदर, लेकिन आप जो भी काम करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे। वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने नोटबुक में करने हैं, और जो अरेंज करने वाले सेंटेंसेस हैं वो भी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये वाला आपको जो है काम इसी में करना है, बुक में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।